तो आ गए तुम लोग। तो गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं कार फोर सेल सिमुलेटर, और आज का गेम प्ले वीडियो कुछ खास होने वाला है। बेसिकली गाइस आज हम अपनी ऑफिस को अपग्रेड करेंगे, क्योंकि गेम में नया अपडेट आया है जिसमें ऑफिस को एकदम से ही चेंज कर दिया गया है। तो आज हम अपने ऑफिस को एकदम शाही राजवाड़े खानदान का बनाने वाले हैं, बिकॉज ऑफिस के डेकोरेशन में बहुत नई नई चीजें आई है जिसका यूज करके हम अपने ऑफिस को एकदम महाराजा टाइप बना देंगे। तो सबसे पहले अपना गेम चालू कर लेते हैं गाइस। तो गाइस पिछले एपिसोड में तुमने देखा था कि हमने बहुत सारे कार परचेस किए थे और उन सभी कारों को सेल करके हमने करीब करीब 12,11,515 डॉलर इकट्ठा कर लिया है। तो गाइस हम लोग एडिट मोड में आ चुके हैं और ऑफिस को अपग्रेड करते हैं, लैंड खरीदना पड़ेगा हम लोगों को। क्या बोला तूने? भाई 5,00,000 डॉलर कुछ ज्यादा नहीं है? ओके ले लेते हैं गाइस, ले लेते हैं, देखा जाएगा। ओके हम लोगों ने लैंड एक्वायर कर लिया है गाइस, और हम लोगों को मूव एंड डिलीट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग, और मैं इसमें स्लो हूँ गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, लेकिन फिर भी देखते हैं। भाई डिलीट करना भी मुझे नहीं आता है, गजब बेइज्जती है। अभी हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं, पहले एक साइड का बनाते हैं फिर आगे देखा जाएगा। वैसे मुझे घर बनाने का कोई आइडिया नहीं है गाइस, देखते हैं कैसा बना पाता हूँ मैं। अभी तो टेबल वेबल सब बाहर रखते हैं, एक साइड का पहले कंप्लीट करते हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अब हम लोगों को परचेस करते हैं, बैक आते हैं। और ये क्या है, यहाँ लग जाएगा? नहीं ये रूफ है। और ये क्या है? अच्छा ये है, हमको यही चाहिए। थोड़ा पीछे आते हैं और देखते हैं हम लोग कहाँ तक बना सकते हैं। भाई आराम से बनाना पड़ेगा, पैसा वेस्ट नहीं करना है मेरे को, पैसा तो अपने पास बहुत है। कौन है ये लोग? थोड़ा मेरा गेम लैग हो रहा है गाइस नया अपडेट आने की वजह से। अब इसको क्या करते हैं गाइस, हम लोग इसको उठाते हैं। हमारा जो साइड का फ्रेम रहेगा ना ये ऐसा रहेगा, पैसा अपना बर्बाद ना हो बस। अभी रूप बनाते हैं गाइस, रूप बनाने के बाद तुमसे मिलते हैं। ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले रूप डालते हैं, रूप डालेंगे तभी काम होगा। थोड़ी बहुत गेम में ग्लिचेस हैं लेकिन अभी हम लोग डाल रहे हैं भाई, थोड़ा मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। अभी देखते हैं आगे कंप्लीट कैसे करें। भाई मैंने पूरा यही बना दिया है, अभी देखते हैं आगे कैसा होगा। सामने का मैं फ्रेम एकदम ग्लास रखूंगा और राइट और पीछे का मैं एकदम ऐसा रखने वाला हूँ। तो देखते हैं अपना ऑफिस कैसा लगता है, लेकिन अभी चलते हैं सबसे पहले एडिट मोड पर चलते हैं, टैबलेट निकाल लेते हैं और ऑफिस एडिट मोड पे आ जाते हैं और देखते हैं हम लोग अभी क्या कर सकते हैं। भाई मेरे को सबसे दिक्कत जानते हो क्या हो रही है, ये मूवमेंट करने में। ओके ओके मैंने फिर से सेटिंग कैसे भी सुधारा है। ओके फिर से बना दिया और सामने लगाएंगे हम लोग ग्लास, तो सामने चलते हैं सबसे पहले। अभी हम लोग फिर से लेते हैं ग्लास, ये $500 का ना ये ग्लास है ना, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ से हम लोग एक कार अंदर लाने के लिए गेट बनाते हैं। चलो मैं अभी यही लगा रहा हूँ टेम्प्रेरी के लिए। अभी देखते हैं हम लोगों का ऑफिस कैसा लगता है धीरे धीरे पे। अभी अच्छा तो लग रहा है यार। भाई मैंने पूरी जगह का इस्तेमाल किया है, ऊपर मैं देखता हूँ क्या लगा सकता हूँ। अब ऊपर सब कांच का बनाता हूँ मैं, बहुत धीरे धीरे काम करता हूँ गाइज, बट ठीक है अब तो सही काम हो रहा है, थोड़ा फास्ट काम हो रहा है गाइज मेरा। अभी मेरा काम तो सही से हो रहा है और मुझे मजा भी आ रहा है करने में ये। ओके रात हो गया, रात में इतना ब्राइटनेस कम हो जाता है ना, अपन इतना तो बना ही लेगा। ओके गाइज अभी देखते हम लोगों का। ओ भाई भाई मैंने तो क्या खतरनाक बना दिया यार। ओए भाई नीचे चल नीचे। ओके भाई मैंने खतरनाक बना दिया भाई, कभी कभी लगता है अपने से भगवान है। अच्छा अभी चलते हैं गाइस हम लोग डायरेक्ट सोने, सो के फिर से आते हैं और ऑफिस को और अच्छा बनाते हैं। चल तो भाई सो जाओ, चलो 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 सो जाओ। ओके The next day. तो गुड मॉर्निंग गाइस, हमारी सुबह फिर से हो चुकी है और हम लोग ने सब कुछ कर लिया है, हग लिया है, मुत लिया है, सब कुछ कर लिया है भाई। अभी चलते हैं ऑफिस, क्योंकि अपने ऑफिस को और अच्छा बनाना है गाइज, और हमको ऑफिस देखते हैं दिन में कैसा लगता है। ओके हम लोग आ चुके हैं और ये हमारा पहला लुक। ओ ओ भाई अच्छा लग रहा है भाई, कुछ भी को अच्छा लग रहा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। एक काम करते हैं अंदर का चीजें बनाते हैं, एक काम करता हूँ सब खुला रहेगा भाई, सब खुला खुला रहेगा, खुला माहौल रहेगा एकदम बढ़िया तरीके से। अभी क्या क्या लगा सकते हैं हम लोग डेकोरेशन के लिए, क्या है? ओके सोफा तो ले सकते हैं, हाँ ये चाहिए भाई, ये मैं लगाऊंगा इधर साइड, नहीं ये यही कोने में अच्छा लगेगा, बाहर से कहाँ, ये लग गया, ये बढ़िया जगह पर लगा हुआ है। ओके अभी तो ये मेरा सीढ़ी घर तो सही है भाई, लेकिन मैं चाहता हूँ और भी चीजें लगाऊं मैं यहाँ पे, जैसे ये है कार घूमने वाला यहाँ पे। अब हम लोग कार भी तो ऊपर ले जानी है, कार ऊपर ले जाने के लिए मैं बनाता हूँ, एक मिनट ये चाहिए मेरे को भाई, इतनी बड़ी जगह ले रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, भाई ये कंट्रोल, कंट्रोल की माँ की, अबे यार कंट्रोल बहुत दिक्कत दे रहा भाई। रात हो गई भाई, एक ही चीज लगाने मेरे को रात हो गई, मेरे को ये कोने में लगाना था तो ये यहाँ पे पता नहीं कैसे लग रहा है। ये काम करते हैं गाइस चलते हैं, सबसे पहले सो के आते हैं क्योंकि रात हो गई है फिर से। यार ये दिक्कत दे रहा है, यही मेन दिक्कत है, इसका कंट्रोल बहुत बेकार है इसका, पूछो मत। मीनवाइल तो गुड मॉर्निंग गाइस, हमारी सुबह फिर से हो चुकी है और अभी हम लोग चलते हैं अपना और देखते हैं हम लोगों ने क्या कैसा काम किया है। तो अभी हम लोग ऑफिस आ चुके हैं गाइस और ये हमारा ऑफिस, भाई लग तो खतरनाक रहा है। अभी चलते हैं गाइज हम लोग द कार मार्केट प्लेस, क्योंकि वो आज ओपन है। ओके तो गाइज हम लोग कार मार्केट प्लेस आ चुके हैं और यहाँ पे ये क्या है, बकवास है भाई। चलो एक गाड़ी तो मिली, इसको ले सकता हूँ $49, बार्गेन करता हूँ भाई से, भाई से कहता हूँ भाई देखना तेरा ना मेरा $40,000 में दे। ओके थैंक यू भाई,
इसको मैं टो करवाता हूँ गाइज, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को अपने कार सजानी है। और कौन सी गाड़ी है? एक ये है, अच्छी गाड़ी लग रही है मेरे को, थोड़ा डैमेज भी है, $65 का है। बार्गेनिंग करता हूँ भाई, देख ना तेरा ना मेरा, $55,000 भाई, इससे कम नहीं हो पाएगा, दे दे। ओके दे दिया भाई इसने। अब इसको हम डायरेक्ट भिजवाते हैं रिपेयर हाउस। अब ये कौन सी गाड़ी है भाई? ये नहीं लूँगा मैं, ये गाड़ी सही लग रही है मेरे को। अंकल बताओ कितने में दे रहे हो? BMW का N3 है और अंकल दे रहा है $62,000 में, और मैं इसे बार्गेन करता हूँ, मैं कहता हूँ 52,000 मेरे को दे दो। ओके दे दिया इसने। अब मैं इसको ये डैमेज नहीं है, ये डैमेज नहीं है, तो इसको टो करवा देता हूँ मैं। ओके अब एक और गाड़ी लेते हैं गाइस। अब डायरेक्ट चलते हैं नेबरहुड। नेबरहुड में कोई सुपर कार मिल जाए तो भी बढ़िया बात है। तीन कार हम लोगों ने परचेज कर लिया है गाइस। ओके एक सुपर कार दिख रही है मेरे को, एक सुपर कार दिख रही है जो अपने शोरूम का शोभा बढ़ाएगी। एक नहीं शायद दो है, ये सुपरा है मेरे हिसाब से। हाँ अंकल बताओ, टोयोटा सुपरा दे दो अंकल, सस्ते में देना। 58,000 मैं तुमसे बार्गेनिंग करूंगा, $48,000। ओके 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 दे दिया अंकल ने, दे दिया। अब इसको ये देखते हैं, अरे बैठना नहीं है इसको, देखते हैं ये डैमेज तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है बिल्कुल। ओके तो हम इसको क्या करेंगे, टो करवाएंगे। टो तो एक यहाँ पे क्लासिक कोई गाड़ी रखी है, बहुत खतरनाक दिख रही है मेरे को ये। ओके दादी दे रही है $21,000, मैं इसे बार्गेनिंग करता हूँ, दादी से कहता हूँ $11,000, सॉरी लो दादी $12,000। वो दादी नहीं मान रही है, दादी से कहता हूँ $15,000। दादी फिर भी नहीं मान रही है यार, मैं दादी से कहता हूँ दादी $18,000 ये लास्ट प्राइस है, मानना है तो मानो नहीं तो। ओके दादी मान गई, कोई बात नहीं। अब इस गाड़ी को हम लोग लेके चलते हैं भाई, बहुत ही खतरनाक ड्रिफ्ट मार रही है गाड़ी। चल भाई चल चल, चल अबे ड्रिफ्ट क्यों मारती है तू, अबे इतना खतरनाक ड्रिफ्ट, मुझे लगता है मैंने गलत, अबे बैक भी नहीं हो रही है। तो जो डैमेज है उसको रिपेयर पे दिलाते हैं, डालते हैं। सुपरा भाई सुपरा अपना खतरनाक लग रही है भाई, इसको रिपेयर कर भाई। मैं काम करता हूँ, अपने कार्स को सबसे पहले अंदर ले जाता हूँ, सुपरा तो सबसे ऊपर रहेगी और ये क्लासिक वाली है नीचे रहेगी, इसको अंदर ले चलते हैं। वैसे मैंने उधर रास्ता बनाया तो है, लेकिन मैं इधर से भी ले जा सकता हूँ। चल भाई चल 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 चल। ओके ओके हाई बीम पे छोड़ूंगा भाई इसको, और जो दूसरी गाड़ी है इसको हम लोग अंदर ऐसे ही खड़ी कर देंगे। ये भी खतरनाक गाड़ी है भाई, इसको हम लोग गाइज यहाँ पे ऐसे खड़ी करेंगे, इसका भी हम लोग हेडलाइट ऑन करेंगे। और चलते अपनी जो गाड़ी रिपेयर हो चुकी है उसको लेके आते हैं, सबसे पहले इन दोनों को डालते हैं पार्किंग एरिया में। भाई ये पार्किंग एरिया में जाना भाई, इसी करते आई इंजन स्टार्ट और सुपरा को ऊपर ले जाएंगे गाइज ऊपर। चल 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 चल, देखते हैं खुलता है कि नहीं। थैंक यू भाई, अरे यहाँ बटन है। हाँ चल चल ऊपर चल भाई ऊपर, ठोकना नहीं सुपरा को। हमको लगा डैमेज हो गई, और अपनी सुपरा जाएगी यहाँ पे, इसका इंजन स्टार्ट होगा और मैं डायरेक्ट बाहर निकल आऊंगा। रात में देखना कितना मस्त लगेगा गाइस ये। इस गाड़ी को मैं एक काम करता हूँ, इस गाड़ी को मैं सीधे रखूंगा, मैं यहीं से ला सकता हूँ भाई गाड़ी अपने अंदर। इसका भी मैं हेडलाइट ऑन रखूंगा और डायरेक्ट बाहर आ जाऊंगा, मेरी सारी गाड़ियाँ ऑन रहेंगी। ओके गाइस आज हमारी तगड़ी कमाई होने वाली है। खुल जा भाई खुल जा भाई, हाँ आई करके ई बाहर आते हैं और अपना एलिवेटर को ऊपर ले जाते हैं। ए भाई मैं तो ऊपर आया नहीं यार। ओ भाई रात हो गई, मजा आएगा अब देखना कहीं कितना मजा आएगा। ई करते हैं सी दबाते हैं, बाहर आ भाई, ई दबा के बाहर आते हैं। अब देखो गाइस चलते हैं हम नीचे, तुमको दिखाते हैं नीचे से मेरा कितना खतरनाक ऑफिस दिख रहा होगा। ओके गाइस ये देखो, दिस इज माई ऑफिस। तो गाइस इन सब गाड़ियों को हम लोग अब अगले गेम प्ले में सेल करेंगे, और भाई अगला गेम प्ले बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है मेरे को। और मैं तो अभी सभी गाड़ियों के हेडलाइट का जो कलर है उसको भी चेंज करने वाला हूँ, तो बहुत ही खतरनाक दिखेगा गाइज। अभी थोड़ा ऑफिस में भी थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करेंगे, बट फिर भी अगला गेम प्ले बहुत ही खतरनाक होगा। तो गाइज कॉमेंट में ये जरूर बताना कि मेरा कार शोरूम तुमको कैसा लगा। बाकी आज की वीडियो बस इतना ही, अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्यूचर में ऐसी ही खतरनाक खतरनाक वीडियो तुमको देखने को मिलेगी। तो हाँ थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच कमिंग।